नमस्कार दोस्तों कैटलॉगिंग सीरीज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर किसी डॉक्यूमेंट की तो उसका कैटलॉग का कार्ड कैसे प्रिपेयर करा जाता है आज का हमारा जो टॉपिक है तीन ऑथर का है ठीक शेयर रिस्पॉसिबिलिटी में अगर तीन ऑथर होंगे किसी डॉक्यूमेंट के तो कैटलॉग कार्ड कैसे प्रिपेयर होगा अकॉर्डिंग टू ए चलो देखते हैं ये फॉर्मेट है कि कैसे एंट्रीज को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू ए सी आर टू इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा आप वहाँ से देख लीजिएगा ये है अपना टाइटल ठीक एक बुक है ये इन्फॉर्मेशन है उसमें अब इसी दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कैटलॉग कार्ड बनाना है ये क्या है टाइटल एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी और इसमें कितना होता है तीन सविता रॉय मोहित शर्मा एंड संजय मेहता पब्लिशर कौन है मैग्राहिल कहाँ पब्लिश है न्यू दिल्ली कॉपी राइट ईयर क्या है नाइन्टीन नाइन्टी फाइव अदर इफॉर्मेशन क्या दी गई कॉल नंबर एक्सेशन नंबर पेजेस एंड साइज़ ठीक है इसी दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एंट्री को प्रिपेयर करते हैं चलिए तो फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है हमारी मेन एंट्री मेन एंट्री में वो सारी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स आती हैं जो हमें प्रोवाइडेड होती हैं कैटलॉग बनाने के लिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है अब देखते हैं कि इनमें से एंटिस्ट को चूज़ करते हैं और कैटलॉग कार्ड में फिल करते हैं ये एक सेक्शन किसके लिए था कॉल नंबर जो कॉल नंबर क्या था इसका जी सेमी कॉल थ्री एंड नाइन्टी फाइव हमने कॉल नंबर एज इट इज़ यहाँ पर भर दिया देन उसके बाद एक्सेशन नंबर यहाँ पर आता है ये लीडिंग लाइन से तीन लाइनें छोड़ोगे चौथी लाइन में हमारा क्या आएगा एक्सेशन नंबर टू जीरो टू जीरो यहाँ तक क्लियर देन उसके बाद एक्सेस पॉइंट एक्सेस पॉइंट इसमें तीन ऑथर दिए गए हैं तो प्राइमरी ऑथर हमारा कौन है यहाँ पे सविता रॉय इस वाले टाइटल में किसी पर्टिकुलर ऑथर को हाईलाइट नहीं किया गया तो अकॉर्डिंग टू एस टू के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट ऑथर होता है उसी को हम प्रिंसिपल ऑथर मान लेते तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑथर सविता रॉय हैं तो नाम रेंडर किया है रॉय कॉमा सविता देन उसके बाद टाइटल सेक्शन टाइटल सेक्शन में क्या आ गया बुक का टाइटल एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी देन उसके बाद स्लैश किसने लिखी है सविता रॉय कॉमा मोहित शर्मा एंड संजय मेहता तीन ऑथर थे ना इस डॉक्यूमेंट के तो तीनों का नाम आ गया लेकिन पंक्चुएशन मार्क ध्यान रखना दो ऑथर को जोड़ने के लिए किस पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है कॉमा और जो एंड है हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये चीज़ भूलना नहीं इंपॉर्टेंट है जितने भी ऑथर होते हैं उसको हम कॉमा से जोड़ते हैं देन उस डॉट हाइफन प्लेस ऑफ पब्लिकेशन फिर कोलन पब्लिशर मैग्रा हिल आ गया देन कॉमा सी स्मॉल सी है स्मॉल सी 1995 स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉपीराइट ईयर को देन उसके बाद आता है पेजिनेशन सेक्शन पेजिनेशन सेक्शन में हम देखते हैं कि पेजेस जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है बुक का वो कैसे होता है देन प्राइमरी पेजेस कितने हैं इसके फोर रोमन में फोर लिख दिया देन उसके मेन पेजेस कॉमा लगा के सेवेंटी फाइव पी डिनोट कर रहे पेजेस को पी डॉट सेमी कॉलन बाईस सेंटीमीटर देन उसके बाद आई एस बी नंबर नोट सेक्शन कुछ नहीं दिया गया टाइटल में तो उसको छोड़ दिया देन उसके बाद चलते हैं हम ट्रेसिंग में ट्रेसिंग में सबसे फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है हमारे सब्जेक्ट की तो यहाँ पे कैटा लॉगर ने क्या किया है कि डायरेक्टली जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से ड्राइव किया है उसने टाइटल से टाइटल क्या था एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी तो बायोलॉजी उसने डायरेक्टली उठा लिया यहाँ से देन उसके बाद क्या चलते हैं दो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना मोहित शर्मा और संजय मेहता दोनों का नाम रेंडर करके लिख शर्मा कॉमा मोहित मेहता कॉमा संजय यहाँ तक क्लियर देन उसके बाद कोई कोलेबरेटर कोई एडिटर कोई सीरीज कोई नोट कुछ नहीं दिया गया देन उसके बाद लास्ट में हमारी एंट्री कौन सी बनेगी टाइटल की यहाँ पे हमारी मेन एंट्री क्लियर हो जाती है देन अब चलते हैं एडिट एंट्री को प्रिपेयर करने ट्रेसिंग के बेसिस पे ही हम फर्दर एंट्रीज जितनी भी एडिट होंगी एंट्रीज को हम प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट एडिड एंट्री हमारी कौन सी होती है सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट हमने क्या ड्राइव किया था वहाँ से बायोलॉजी तो बायोलॉजी एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर्स में भूलना नहीं है जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट एडिड एंट्री होती है वो हमारी कैपिटल लेटर्स में ही आती है ठीक है तो प्रिंसिपल ऑथर कौन था हमारा सविता रॉय रॉय रेंडर करके लिख दिया है कॉमा सविता ठीक है देन ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ये हर एडिड एंट्री में आएगी रेस्ट इन द मेन एंट्री मतलब जो इसके अलावा बिब्लियोग्राफिक डिटेल है वो आप मेन एंट्री में जाके देख सकते हैं ये सब ये स्टेटमेंट सब में सेम रहेगी आगे चलते हैं देखते हैं शेयर्ड ऑथर थे ना दो प्राइमरी ऑथर तो हमारा सेम यहीं पे रहेगा देन उसके बाद शेयर्ड जो ऑथर होगा उनके नाम से भी तो एंट्री बनानी है तो एक था मोहित शर्मा तो नाम एंटर करके लिख दिया शर्मा कॉमा मोहित देन उसके बाद वही सेम स्टेटमेंट रेस्ट इन द मेन एंट्री ये शेयर्ड ऑथर की एक एंट्री प्रिपेयर हो गई दूसरी एंट्री बनाते हैं संजय मेहता मेहता कॉमा संजय सभी तो प्रिंसिपल ऑथर का नाम आ गया रॉय कॉमा सविता देन ये स्टेटमेंट फिर से सेम रेस्ट इन द मेन एंट्री क्लियर यहाँ तक देन उसके बाद बनती है हमारी टाइटल एंट्री लास्ट जो बची है टाइटल क्या था हमारा एक्सपेरिमेंट इन बायोलॉजी एज इट इज़ जो टाइटल था वो उसको लिख देना है यहाँ पे देन उसका प्रिंसिपल ऑथर कौन था रॉय कॉमर्स सविता डॉट ठीक है यहाँ पे क्लियर देन उसके बाद वही सेम स्टेटमेंट रेस्ट इन द मेन एंट्री तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और स्टडी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे हमें टेलीग्राम पे फेसबुक पेज लाइक करिए और इंस्टा पे फॉलो करिए वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं वेरियस लाइब्रेरी कॉम्पटेटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड थैंक यू